सो गाइस, अगर आपके पास भी ये वाला टैब है और इसका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। इस टैब का स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, चाहे आपका दोनों स्पीकर वर्क नहीं कर रहा हो या फिर एक स्पीकर वर्क नहीं कर रहा हो, तो आप इस ट्रिक की मदद से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं एक ही स्पीकर आपको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस है दूसरे स्पीकर को भी रिपेयरिंग करने का। तो मैंने यहाँ पहले से खोल रखा है, चाकू की मदद से मैंने कट कर दिया था, लेकिन आपको ध्यान से खोलना है। ये नहीं खुला मेरा, कहीं वो कहीं गुम गया था तो मैंने इसे कट कर दिया है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से खोल लेना है, काटना नहीं है। तो ये स्पीकर है जो कि ख़राब हो चुका है, इसकी जगह पर हम इस वाले स्पीकर को लगाने वाले हैं। उसी साइज का है, आप देख सकते होंगे। इसे हमने एक ओप्पो के ओल्ड मॉडल से निकाला है, वैसे ये सैमसंग का टैब है, ये वाले फ़ोन से हमने निकाला है, जिसे हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर तोड़ा था। तो बाकी इसका वीडियो भी नहीं है क्योंकि वो चैनल डिलीट हो गया है जिस चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ था। आपको कोई पुराना फ़ोन ले लेना है और उसे स्पीकर वगैरह निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है, आपको डायरेक्ट स्पीकर को खोलना नहीं है। यहाँ एक और स्पीकर लगा हुआ है, उसका कनेक्टर निकाल देना है। जिस तरह मैंने इस कनेक्टर को निकाला, उसी तरह आपको सिर्फ कनेक्टर को निकालना है। उसके बाद इस स्पीकर को लगा के एक बार चेक कर लेना है कि आपका साउंड आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा होगा तो कनेक्टर ख़राब होगा, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको ये चेक करना है, ये जो स्पीकर से पत्ता लगा हुआ है ये कहीं बीच में टूटा हुआ तो नहीं। अगर टूटा हुआ है तो आप उससे जम्फर कर देना, सही हो जाएगा। अगर पत्ता सही है तो आपको अपने स्पीकर को यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको जो स्पीकर है वो चेंज करना होगा। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप किसी और मॉडल का इसी साइज का स्पीकर लगा सकते हैं। हमारे यहाँ मार्केट पर ये वाला जो स्पीकर है ये नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन में मैंने देखा लेकिन वो 400 रुपये दिखा रहा है स्पीकर। तो 400 रुपये खर्च करके कौन स्पीकर डलाता है भाई, खुद से रिपेयरिंग कर लो। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई खुद से आप लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना आप नया स्पीकर किन का डाल सकते हैं जो कि 400 पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी आएगा। यही है कि थोड़ा सा छोटा है तो कम क्वालिटी साउंड आपको सुनाई देगा ना। बड़े वाला मैंने यहाँ छोटे वाला इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं तो भाई ब्लूटूथ या फिर एयरपोड्स लगा कर फिल्म वगैरह जो भी देखता हूँ, का गेमिंग करता हूँ, जो भी होता है वो सब मैंने ब्लूटूथ और हेडफोन लगा लेता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा दरकार नहीं है, बस ऐसे ही लगा देता हूँ। तो देखिए इससे थोड़ा सा छोटा हो रहा है, वैसे चलेगा। तो आपको सिंपल से इससे सोल्डरिंग करना होगा इसके दे में। तो आप सिंपल सा अपने सोल्डरिंग को ले लेना, कोई सा भी हो चलेगा, बड़ा हो छोटा हो, कोई सा भी आयरन होगा, सोल्डरिंग आयरन जिसे बोलते हैं सोल्डरिंग, उसे आपको ले लेना है। उसके बाद आपको इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हटा देना है, जो भी आपका ओरिजिनल स्पीकर है उसे सावधानी से साथ हटा देना है। ये देखिए ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, आप देख सकते हो जो ओरिजिनल स्पीकर है। वैसे हम जो लगाने वाले हैं वो भी अच्छा है, ओप्पो के कंपनी का है, लेकिन ओरिजिनल स्पीकर में थोड़ा अच्छा क्वालिटी आता है। उसके बाद दोनों पॉइंट में आपको पेस्ट लगा के थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेना है। करने के बाद आपको इसके देह में थोड़ा सा पेस्ट या फिर थोड़ा सा जिसे बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं ज़्यादातर जगह में, हमारे यहाँ पेस्ट बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको इस कनेक्टर को ले लेना है जो आपने खोला था, एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई जो है पत्ते के अंदर टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं। अगर टूटा हुआ हो तो इसकी वजह से आपका स्पीकर नहीं चल रहा हो, तो आप उससे जम्पर करके सही कर लेना। अगर आप बोलेंगे कैसे जम्पर करना है किसी टूटे हुए प्लेट को, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ये मैं इसे यहाँ सोल्ड कर लेता हूँ, तब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह कर देना। इसे कनेक्ट कर लिया है, आप इस तरह सोल्ड वगैरह कर लेना। उसके बाद आपको एक बार चेक करने ना है, लगाकर उसी जगह पर जो सेकंड वाला स्पीकर है ना आपका, वहाँ पर लगा लेना है। वहाँ पर लगाकर आपको चेक कर लेना है, सिर्फ उससे कनेक्टर को निकालना है, स्पीकर को नहीं निकालना है। कनेक्टर को निकाल के इस वाले कनेक्टर को लगा देना, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लगा कर चेक करूँगा। आपको एक बार यहाँ से लगा के ये जो दूसरा स्पीकर है उसके कनेक्टर को रिमूव करके इस कनेक्टर को लगा के देखना है, या फिर आप डायरेक्ट लगा के चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करने के लिए मैं वीडियो को स्पीड कर दूंगा, बाकी आप चेक कर लेना आपका वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है और मैं ट्रिम भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ से प्ले करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, ये हमारा स्पीकर जो है चालू हो रहा है, बज रहा है, तो हम एक बार वीडियो को जो है अपने स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करके इसे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम सिंपल सा जो है कनेक्टर जो है उसे निकाल लेंगे, फिर से डिसकनेक्ट कर देंगे, यानी हमने जो अभी लगाया है स्पीकर इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे कनेक्टर से। तो उसके बाद हमें जो इसका कैबिनेट था स्पीकर का, इसके अंदर अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि इसी के अंदर जो भी होगा अगर उल्टे
हो जाएगा, साइट मोटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जिस जगह से आपका जो पत्ता है वो आया हुआ था उसी जगह पर रखना है, उसके ऊपर जो आपने काटा था या फिर खोल कर निकाला था उस वाले हिस्से को जिस तरह आपने खोला था उसी तरह रख देना है। रखने के बाद तो ग्लू या फिर कह लीजिए फेविक्विक की मदद से इस तरह को चिपका देना है, ज़्यादा नहीं डालना है वरना स्पीकर के अंदर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 मिनट में ये सूख जाएगा। सूखने के बाद आपको जिस तरह आपने खोला था स्पीकर उसी तरह सेम यहाँ लगा देना है। लगाने के बाद एक बार आपको कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करके अपना एक सॉन्ग चेक कर लेना आपका काम कर रहा है या नहीं सही तरीके से। उसके बाद आपने जिस तरह टैब को खोला था उसी तरीके से बंद कर लेना है। तो आप इस तरह सैमसंग टैब 2P3100 का स्पीकर जो है उससे रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो कि 4-5 रुपये खर्चे करके रिपेयरिंग करने से अच्छा है घर पर ही कर लो, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी कम जाएगा, यही प्रॉब्लम है। बाकी इसे हम यहाँ नोट देकर कस देंगे, आप जिस तरह खोलें उसी तरह लगा देना। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना, कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।